इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले आने वाले समय में खुद इतिहास बन जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव किए जाने का हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विरोध किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार सिलेबस के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वे भी इस बात की समर्थक है कि किताबों में भारत का गौरवमय इतिहास पढ़ाया जाए, लेकिन किताबों से तथ्य हटा देने से सरकार कुछ नहीं मिलेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये बात सत्य है कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस पर बैन लगाया था। उन्होंने कहा कि सिलेबस बदलने से सरकार को कुछ हासिल नहीं होगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व शहरी विकास मंत्री को भी एक बार शिमला का नाम बदलने की इच्छा हुई थी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले दिन खुद इतिहास बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीति के हिसाब से इतिहास से छेड़छाड़ करने की राजनीति सही नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर आई है कि किस तरीके से जो एजुकेशन बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, वो किस तरीके से जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा है। मैं इस हक में भी हूँ कि जो हमारा गौरवमय इतिहास है, हमारा कल्चर है, हमारा हज़ारों साल पुराना हमारा इतिहास है, उसको दिखाया जाना चाहिए, उसको इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, हम उसके पूरे समर्थन में हैं। मगर जो रिसेंट जो इवेंट्स हुए हुए हैं, आप उनको इतिहास से मिटा दें, आप उनको टेक्स्ट बुक से मिटा दें, इससे वो चीज़ें बदलने वाली नहीं है। ये एक कड़वा सत्य है कि भारत के तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, ये सत्य है। ये कितनी भी कोशिश कर ले उस सत्य को मिटाने की, ये कितनी भी कोशिश कर ले उसको टेक्स्ट बुक से हटाने की, मगर जो इतिहास है वो रहेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले आने वाले समय में खुद इतिहास बन जाते हैं, इसलिए इस तरीके के उनको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और हिमाचल में भी ये चीज़ें समय समय पर करने का प्रयास किया गया था। हिमाचल की जो राजधानी है शिमला, इसको इसका नाम भी जो तत्कालीन शहरी विकास मंत्री थे, पता नहीं उनको किसकी जो है वो दिव्य दृष्टि आई थी कि शिमला का नाम बदलने चले थे। आज जो है मैं कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर जिस तरीके से नाम बदलने की प्रथा देश में चली हुई है, उसको शिमला में भी लाने की कोशिश कर रहे थे, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारा इतिहास है, जो हमारा सदियों से चलता हुआ इतिहास है, उसको हमें सजो कर रखना है। और ये ज़रूर है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अगर कुछ उसमें कमियां रह गई हो, उनको अगर इनकॉर्पोरेट करना है, उसमें हमको कोई भी जो है वो एतराज़ नहीं है। न्यूज डेस्क ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।